आपने सुना होगा मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो लोगों पर मुसीबतों की बिजली गिर गई। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ और बारिश, उसके बाद बिजली, झटका, जबरदस्त मौत, और इन सब के बीच लोगों ने पहली बार देखा बिजली गिरी, पेड़ तक जल उठे। एक तो मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने कम कयामत नहीं मचाई थी, जो कुदरत ने अपने सताए लोगों पर बिजली गिरा दी। आसमान से अचानक बिजली गिरी और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में जिंदगियां मौत में बदलने लगी। नीचे आसमान से बरसा पानी, ऊपर आसमान से निकली आग। वैसे तो आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में बारिश ने कहर बरपा रखा है, लेकिन 3 जिलों में बाढ़ के मारों पर कुदरत की बिजली गिरी। नेल्लूर में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई, प्रकाशम जिले में 4 की और गुंटूर में 3 लोगों की मौत हुई, यानी कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत। वैसे तो कुदरत के इस कहर को विज्ञान की कोई मशीन माप नहीं पाई, लेकिन मौसम विज्ञान भी अचानक आई इस आपदा से हैरान है। जब मानसून का विड्रॉल पैटर्न शुरू होता है तो हवाओं का पैटर्न बदलना होता है, और जब हवाओं का पैटर्न बदलता है तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाकों में बारिश बढ़ जाती है कि आंध्रा तट के बिल्कुल पास से लगी हुई बंगाल खाड़ी है, वहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में 2 तरह की हवाओं का टकराव हो जाता है जिससे कि थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब थंडरस्टॉर्म होते हैं, यानी कि वो गरजने और चमकने वाले जब बहुत घने बादल बन जाते हैं, तो ऐसे में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी आंध्रा के इलाकों में, कोस्टल आंध्रा के इलाकों में, यहाँ तक कि तेलंगाना तक के इलाकों में मानसून के समय, रिट्रीटिंग मानसून के समय हो जाती है। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में बिजली गिरने से मचा कोहराम देश को ये सुना रहा है कि कुदरत का कहर कैसे इस प्रदेश को तबाह कर रहा है। इस विषय में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की बिजली गिरने की घटना को सामान्य घटना नहीं कह सकते, ये बिल्कुल असामान्य घटना है। बिजली उन उम्मीदों पर भी गिरी है कि कहीं फिर से आसमान से आई आग लोगों की जिंदगियों को भस्म तो नहीं कर देगी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान में बिजली गिरने से रोजाना 7 लोगों की मौत होती है। 2014 में प्राकृतिक आपदाओं से 20,201 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बिजली गिरने से 2,582, यानी प्राकृतिक आपदाओं के 12% से भी ज्यादा। 2012 में हिंदुस्तान में बिजली गिरने से 2,263 लोगों की मौत हुई, जबकि 2013 में यह संख्या बढ़कर 2,833 हो गई, 2014 में 2,582 हो गई। आज आंध्र प्रदेश में भले 13 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई हो, लेकिन देश में 2014 के हिसाब से देखें तो इस मामले में आंध्र प्रदेश 10वें नंबर पर आता है, और पिछले साल वहां 69 लोगों की मौत हुई थी। पिछले साल सबसे ज्यादा बिजली मध्य प्रदेश में गिरी, जिसमें 406 लोगों की मौत हुई। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 324 लोग, तीसरे नंबर पर उड़ीसा में 289 लोग, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 225 और पांचवें नंबर पर झारखंड में 189 लोगों की जान गई। लेकिन ये जानकर आपको ताजुब होगा कि ये बिजली सिर्फ लोगों की जिंदगियों पर ही नहीं गिरती, बल्कि एक झटके में उनका भविष्य भी मारा जाता है। एक तो बिजली गिरने की भविष्यवाणी नहीं हो सकती, और इससे भी बड़ी बात है कि इसे सरकार ने सरकारी आपदा में नहीं रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी जान बिजली गिरने से हुई, उन्हें ना तो कोई मदद मिलेगी, ना ही रुपए पैसे से कोई राहत। तो सवाल है कि जितनी जिंदगियों पर कुदरत की बिजलियां गिरी, उनके लिए सरकार की तरफ से राहत का कवच कब खुलेगा। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ टीएस सुधीर, हैदराबाद आज तक। बिजली गिरी तो आंध्र प्रदेश में लोग डरे हुए हैं। लोगों को तटीय इलाकों से लेकर हैदराबाद तक बाढ़ भी डरा रहा है, और बाढ़ से आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की जान भी जा चुकी है। मूसलाधार बारिश से पैदा हुई बाढ़ ने तो आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में भयंकर तबाही मचा रखी है, लेकिन सच तो ये है कि राजधानी हैदराबाद के निचले इलाकों में पूरी तरह पानी भर गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर ये मोटरसाइकिल पत्ते की तरह बहती जा रही है।
यही हाल शहर के मशहूर रेड्डी कॉलोनी का भी है। यहाँ बारिश के बाद अचानक कई इलाकों में पानी भर गया और बीच सड़क पर यह कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार के अंदर एक परिवार मौजूद था। ड्राइवर ने कार को आगे ले जाने की कोशिश की, मगर तेज बहाव के सामने उसकी कोशिशें नाकाम रही। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर पहले किसी तरह खुद बाहर निकल आया और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को तेज बहाव के बीच कार से निकाला गया। इस हैदराबाद में पानी चढ़ा तो थोड़े दिन में तो उतर ही जाएगा, इसके साथ साथ जो बीमारियां फैलेंगी उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम भी कर रहा है। लेकिन असली मुसीबत तो उन लोगों की है जो कि आंध्र के तटीय इलाकों में रहते हैं, जहां पर मानसून मुसीबतों की बरसात कर रहा है। लौटता मानसून आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इस कदर बारिश कर रहा है कि लोगों की आंखों में रोने के लिए आंसू भी नहीं छोड़े, मानो उन्हें भी निचोड़ कर धरती पर तबाही की बाढ़ लाने के लिए जोड़ दिया। एक तो कपास के खेतों में गिरी बिजली ने जान माल की कम तबाही नहीं मचाई थी, जो बारिश ने रौद्र रूप ले लिया है। बाढ़ का कहर राज्य के 5 जिलों में तांडव मचा रहा है। राज्य के गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लूर, कृष्णा और पूर्वी गोदावरी जिले बाढ़ की चपेट में है। इससे 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। रविवार को ही तेज बारिश ने खतरे का डर और बढ़ा दिया है। बस नजरें सरकारी इंतजाम और कुदरत की नजरें इनायत पर है। टीएस सुधीर, हैदराबाद, आज तक। लेकिन बाढ़ से सबसे ज़्यादा परेशानी असम में है। वहाँ 20-21 जिले पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं और तकरीबन 18 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विकराल रूप देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। आज तक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा लिया और जाना कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं तो फिर राहत क्यों नहीं। कुदरत की मार यही होती है, जब चारों तरफ पानी भरा है तो भी पीने का पानी नहीं, और पानी के बीच जिंदगी ऐसे चल रही है जिसमें धार तो है लेकिन मझधार से बचाने वाली पतवार नहीं। पिछले एक महीने से असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हम इस समय हैं ब्रह्मपुत्र के किनारे पर। आप देख रहे हैं इस तरफ है नदी और इस तरफ मेरी दूसरी तरफ है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को कहा जाता है देश के चाय पत्ते का कैपिटल, टी गार्डन्स ऑफ इंडिया, डिब्रूगढ़ टी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2015 में डिब्रूगढ़ को एक अलग नाम से जाना जाएगा, ये देश का फ्लड कैपिटल बन गया है। बाढ़ की वजह से डिब्रूगढ़ के कई जो इलाके हैं वो पानी के नीचे रहे हैं कई दिनों से। अब पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो कम नहीं हुआ है। घर में 4-5 दिन तक रहा, कल 4-5 दिन तक घर तक रहा। हाँ, कल तक अपना 7 डेज हो गया। कल तक हम साइकिल से घूमता रहा, उसी समय देखता किसी किसी के घर में अभी भी पानी है। अभी भी पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी कई घर में नहीं है। आपके गेहम बाजार एरिया में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कल तक नहीं रहा। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कुछ एरियाज में नहीं है, ट्रांसफार्मर वो पानी के नीचे है। नहीं, बार जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तंग आ चुके हैं, उन लोग बोलते हैं आप खाली ये प्रॉब्लम यू जस्ट की मेक एलिगेशन करते रहते हैं। हम लोग क्या करते, बारिश आता है वही कह रहे हैं कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बारिश आता है, बारिश को दोष दे रहे हैं, देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रेनेज का मास्टर प्लान भी नहीं रखते। ये तस्वीरें बता रही हैं कि असम में बाढ़ कैसे लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। गुवाहाटी हो या सोनितपुर, नौगांव हो या धीमाजी, हर तरफ बाढ़ अपने साथ बर्बादी और मौत लेकर आई। बाढ़ की वजह से राज्य के 20 जिले प्रभावित हैं और 18 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियां डर और आशंका के साए में है। दरअसल लौटता मानसून असम में बर्बादी की बरसात कर रहा है। सितंबर महीना जो होता है वो माना जाता है कि ये रिट्रीट का महीना है। जब मानसून सितंबर के शुरू में प्रथम सप्ताह में नॉर्थ वेस्ट इंडिया से वापस होना शुरू होता है और धीरे 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 फिर वो सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया तक विड्रॉ हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट तक विड्रॉ हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ठीक ठाक बारिश विड्रॉल के समय में होती रहती है जब मानसून की वहाँ हवाएं बंगाल खाड़ी से वहाँ जाती रहती है। राज्य में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहयोगी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक नेतम घाट, तेजपुर,
गुवाहाटी, गोलपारा और धुबरी में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ से 1,11,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से बचाव के लिए 277 राहत कैंप लगाए गए हैं। इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवरों के लिए भी ये बाढ़ मुसीबत का सबब बन गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भर जाने से कई जानवरों की नाहक जान चली गई। वैसे बारिश अभी भी हो रही है और इसे देखते हुए नहीं लगता कि जल्द लोगों को राहत मिलने वाली है। सुदीप दास के साथ राजदीप सरदेसाई, गुवाहाटी आज तक।